नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं मिस दुर्रानी। आज हम बनाना सीखेंगे शामी कबाब। शामी कबाब बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उनमें शामिल हैं गोश्त आधा किलो, चने की दाल आधा पाव, साबुत लाल मिर्च 9 से 10 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, प्याज 2 अदद दरमियाने साइज की, हरा धनिया 1 गड्डी, पुदीना 1 गड्डी, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, नमक 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, साबुत जीरा 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, अंडा 1 अदद, साबुत गरम मसाला 1 टीस्पून, ऑयल 1 कप, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब। सबसे पहले आप गोश्त को अच्छी तरह से धो लें, फिर इसे एक पतीली में डालकर हस्बे ज़रूरत पानी डालें। इसमें नमक, लाल साबुत मिर्च, साबुत गरम मसाला, लहसुन अदरक पेस्ट और ज़ीरा डालकर इसे बॉईल होने के लिए रख दें। जब एक उबाल आ जाए तो आंच हल्की कर दें। अगर चिकन है तो इसे 30 मिनट के लिए, या बीफ और मटन है तो इसे 1 से 1.25 घंटे के लिए पकने दें। अगर चिकन है तो चने की दाल साथ ही डाल दें, और अगर बीफ या मटन है तो आधे घंटे के बाद चने की दाल डाल दें और इसे मजीद पकने दें। जब तक गोश्त पक रहा है तब तक आप प्याज, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों को बारीक बारीक चॉप कर लें। जब गोश्त ठंडा हो जाए तो आप इसमें हरा मसाला और बाकी तमाम मसाले डालकर इसे अच्छे से पीस लें, फिर इसकी छोटी छोटी टिक्कियां बना लें। अब आप अंडे को फेंट लें और फिर एक एक करके तमाम टिक्कियां अंडे में कोट करके रखते जाएं। फिर आप एक फ्राई पैन में ऑयल गरम करें और एक एक करके टिकिया डालते जाएं और इसे सेकते जाएं। जब टिकिया 1 मिनट तक दरमियानी आंच पर सिक जाए तो इसकी साइड चेंज कर दें। जब दूसरी साइड से भी सिक जाए तो इसे गोल्डन होने पर प्लेट में निकाल लें और रायता, चटनी, सलाद के साथ इसे सर्व करें। आपके मज़ेदार से शामी कबाब तैयार हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।